press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा सिक्विन ऐप के बारे में। तो दोस्तों सिक्विन एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आप तरह तरह के गेम खेलकर हजारों और लाखों रुपए बहुत आसानी से जो है वो जीत सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सिर्फ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और उसके बाद आप जो है क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी तमाम खेलों के साथ उसे खेल करके आसानी से लाखों हजारों रुपए जो है वो कमा सकते हैं। तो भाइयों आपको यहाँ पर जो है लॉटरी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 3 कलर दिए जाते हैं और अगर आपने उसमें से एक कलर चुना और वो लॉटरी के कलर से मैच करता है तो आपको जो है यहाँ पर डबल रुपए जो है डबल पैसे जो है वो दिए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप ये ऐप को अपने फ्रेंड के साथ रेफर करते हैं तो आपको 2000 रुपए का कैश बोनस भी देखने को यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको पेटीएम का भी सपोर्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तमाम तरह के जितने भी UPI ID है उन सभी का यहाँ पर आपको जो है यूज देखने को मिल जाता है। दोस्तों तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन में हर तरह की सुविधा जो है वो देखने को मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे रखा है, जल्दी से जाकर के आप डाउनलोड कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला M.H. चिदंबरम स्टेडियम में 5 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से खेला गया। आपको बता दूं कि पहले दिन का खेल जो है वो समाप्त हो चुका है और यहां पर आपको बता दूं पूरी बात, दरअसल टॉस जीता इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने जो है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बड़ी ही अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली ओपनिंग में, जहां पर रॉरी बर्न्स ने बनाए 33 रन्स। हालांकि उसके बाद उनका विकेट जो है अश्विन ने बड़े अच्छे तरीके से झटक लिया, जहां पर रॉरी बर्न्स को 33 रनों पर पंत के हाथों कैच आउट कराकर अश्विन को मिली उनकी पहली सफलता। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेनियल लॉरेंस को बिना खाता खोले बुमराह ने जो LBW आउट कराकर पवेलियन वापस लौटा दिया। लेकिन इसके बाद जो हमें सिबली और रूट के बीच एक धमाकेदार पार्टनरशिप देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दूं डोमिनिक सिबनी ने पहले ही मुकाबले में 226 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की एक बहुत ही स्लो लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने जो है 9 चौके लगाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कप्तान जो रूट की, उन्होंने जो है 79 रन बना लिए 146 गेंदों का सामना करते हुए और उन्होंने भी जो है अपनी इस पारी में 9 चौके लगाए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की तरफ से इस मुकाबले में सहवाज नदीम ने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया, जहां पर उन्होंने 17 ओवर की गेंदबाजी करी और जिसमें उन्होंने सिर्फ 50 रन खर्च किए। वहीं आपको बता दूं ईशांत शर्मा ने भी 12 ओवर कराए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके दूसरी तरफ बात की जसप्रीत बुमराह की, तो उन्होंने जो है 15 ओवर कराए, 37 रन खर्च करते हुए उन्होंने जो है 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उन्होंने जो है 20 ओवरों में 52 रन खर्च किए और 1 बेहद ही शानदार विकेट अपने नाम किया। दोस्तों इसके अलावा दोनों टीम्स के अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की तरफ से आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, सहवाज नदीम और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ईशांत शर्मा खेलते हुए दिख रहे थे। इंग्लैंड की बात करें तो यहां पर रॉरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, डेनियल लॉरेंस के साथ साथ कप्तान जो रूट, 5वें नंबर पर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, 6वें नंबर पर ओली पॉप जो कि विकेट कीपर है, साथ ही जॉस बटलर भी आपको खेलते हुए दिखे इस मुकाबले में। दोस्तों गेंदबाजी की बात करें तो डोमिनिक बेस, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच और जेम्स एंडरसन की जोड़ी आपको इस मुकाबले में जो है खेलती हुई दिख रही थी इंग्लैंड की तरफ से। तो इस तरीके से पहले दिन का खेल समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 194 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 2 विकेट भारतीय टीम को मिली। हालांकि ऑलमोस्ट यह आज का दिन जो था वो इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 200 रन बना लिए हैं। आप देखते हैं कि दूसरे दिन में क्या होता है, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में कमबैक कर पाएगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।